बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी ऑल फाइन स्टूडेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डू आवर मैथ्स, सो हरीली ओपन योर बुक्स एंड कम टू पेज नंबर 38। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कर लिया होगा, मुझे आपने इसका होम टास्क भी फॉलो करना है। और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। वही क्वेश्चन आ रहे हैं आपका HCF, लेकिन उसका जस्ट पहले क्या होगा, हमने 2 नंबर्स के HCF लेके उनको आगे अपने कॉमन उसमें देखा था, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हमें बुक वाले ने बोला है कि आप 3 वर्ड्स के लें, 3 नंबर्स के लें आप HCF, फिर उसमें से फिर कॉमन फैक्टर निकालें, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले आपको नोटबुक प्रिपेयर करना है, हरीली ओपन योर नोटबुक सेल्फ, क्योंकि ये इस बुक पे टास्क करने वाला नहीं है। मैंने टॉपिक पहले प्रिपेयर करना आपको बताया, इधर आपकी डेट आ जाएगी, मिडल में आप लिखेंगे HW, इधर आप लिखेंगे अपना डे, और टॉपिक है आपका HCF, ठीक है। HCF डन, गुड। आपने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th हो गया था, आपने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 लिखना है, 6 को पूरा लिखें, फाइंड द कॉमन फैक्टर। ऐसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिया, और 9, 12 and 15 का आपने करना है LCM। तो इधर आप लाइन लगाएंगे 9 के लिए, इधर आप लगाएंगे 12, इधर आपकी होगी 15 की, 9, 12। 9, 2 के टेबल पे नहीं जा रहा, क्योंकि ये है जी आपका ऑड है, इवन जैसे जाते हैं, तो आप 3 ले लें, 3, 3 are 9, फिर 3, 1 are 3, ठीक है। 12 जो है वो 2 के टेबल पे जाता है, तो 2, 6 are 12, फिर 2, 3 are 6, 3, 1 are 3। 15 भी ऑड है, तो ये भी आपके 3 के टेबल पे जाएगा, 3, 5 are 15, 5, 1 are 5, डन। आप पहले आप 9 के लिखेंगे, 9 के कौन कौन से आए हैं, 3 multiply by 3, 12 के लिखें, 2 multiply by 2 multiply by 3, 15 के लिखें, 3 multiply by 5। तो देखें तीनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, 3 है तीनों में, यस, तीनों में 3 कॉमन है, ये तीनों में आ गया 3। उसके अलावा ये 3 कहीं और है नहीं, ये 5 भी कहीं और नहीं है, तो इसका कॉमन क्या होगा, आंसर 3, ठीक है। आपको आंसर क्या मिलेगा इसका, 3। ऐसे स्टूडेंट्स आपने मेथड से बाकी क्वेश्चन भी करने हैं, उसमें और कौन सा मैं आपको करवा देती हूँ, 18, 27 और उसके साथ है आपका 39। ये मैंने डी पार्ट कर रही हूँ, पहले मैंने ए किया है, उसके बाद अब मैं डी पार्ट कर रही हूँ, ठीक है। 18 का टेबल लें, पहले सब 2 से लें, 2, 9 are 18, 3, 3 are 9, 3, 1 are 3, 27 ऑड है, तो ये जिन 2 पे नहीं जाएगा, हम 3 ले लेते हैं, 3, 9 are 27, 3, 3 are 9, 3, 1 are 3, 39 है, डायरेक्ट 3 पे जाएगा, 3, 1 are 3 और 3, 3 are 9, 13 क्योंकि प्राइम नंबर है, तो ये जस्ट 1 या 13 के टेबल पे जाता है, तो हम जस्ट 13 ले लेंगे, 13, 1 are 3। ऐसे ही आप अगेन यहाँ पे लिखेंगे और देख ढूंढेंगे कौन सा आपका आ रहा है इवन, सॉरी कॉमन कौन सा आ रहा है, 3, 3, 3, 13 कोई भी नहीं है, 2 और किसी में भी नहीं है, तो क्या आपका इसका भी आंसर आएगा, आपका 3 ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 6 पूरा करना है, 7 हम इंशाल्लाह ताला कल कर लेंगे, क्योंकि उसका मेथड चेंज हो रहा है, वो डिवीजन मेथड से हम आपको HCF सिखाएंगे। आप लिख रहे हैं इसमें कोई और है जो आज 14 है, 2 और 7 से जाएगा, 7, 7 से, और 14, 4 to 7 जा रहा, इसका आंसर 7 आएगा आपको, ठीक है, 7 से भी में कॉमन आ रहा है। और कौन सा थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, 2 का तो बहुत ईजी है, ये इसका 4 आ जाएगा एंड इसका 5 आएगा। ऐसे आपने A to F क्वेश्चन करने, अगर कोई चीज़ आपको ना समझ आई तो प्लीज़ आपने बिला झिझक मुझसे पूछना है, और मैं आपको अगेन क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। तो आज आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है, जो है आपका फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।